कौन काम करेंगे? ये कंपनी के मैनेजर का काम संभालेंगे। मैनेजर है? हाँ मैनेजर। सबसे मुझसे भाई और जानते हो हमने अपने दिल में और कुछ सोचा। दिलवा बोलो कि लड़का तो अच्छा है, लौंगा तो मस्त है भाई। हाँ झकास है, लौंगा मस्त। और अपनी प्रीति की शादी की साथ। अरे सही बात, आज पास जमाना चल रहा है, लौंगा हेरत नहीं मिले खबर बिल्कुल। और दबाव लौंगा दबाव है भाई, ठीक है अब लौंगा है मान लेते कि बिगड़ी हुई जी है। हाँ लेकिन बेटा तो पूछ तो देखो सारे बच्चे क्या पूछ रहे। नहीं जमाने के हिसाब से आजकल बिटेवर से जरूर पूछ रहे सब कहीं सूट कर पहले मान लियो बिटेवर तुम्हारे काम पे सेट हुए तो देखो बुरा ना मान लो एक जमाने के हिसाब से सारे कोई मनता नहीं है नहीं तुमको नहीं यह तो बात है तुम्हार बेटी घर से अकेले कभी नहीं गई है, जब जब गई है तो चार लोगों के साथ गई है। नौकर जाकर फंसने की का सेफ्टी के लिए तो हमेशा घर तक होते बेटा मैं तुम्हें कंपनी का मैनेजर बना रहा हूँ। बहुत अच्छा से और मेहनत से काम करना कंपनी की तरक्की हो जाए। अवश्य सेठ जी। और कुछ ही दिनों में हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने वाले हैं। सेठ जी ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ। ठीक है सेठ, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। हाँ और क्या? और सेठ जी अच्छा आप बड़ों को सम्मान करना सीखो समझे। हाँ इनको दालों को दबा कर रखना। सेठ जी ये खबर मैं अपनी माँ को बतलाता हूँ, मेरी माँ बहुत खुश होगी। इधर कौन? वही इनके माता जी आती हैं और देखिए क्या होता क्या नहीं। बोलो 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 चले जब आदर काम गड़बड़ है। अच्छा ये उलर चला बेटे की कोई खबर नहीं आई? अभी तो कोई खबर नहीं। वो नौकरी के लिए गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। आप ठीक है माँ? प्रणाम भैया। खुश हो क्या हुआ? तू नौकरी पे गया था? हाँ भैया नौकरी मिली है तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई है भैया। मिल गई? हाँ भैया सेठ जी के यहाँ नौकरी मिली है, वो भी उनकी कंपनी में मैनेजर का पद मिला है। हाँ और 5,000 रुपए मिलेंगे भैया। अरे तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैंने तो सोचा रहा था भगवान का दे रहे थे तू गलत काम करने के लिए अपना कदम उठा दिया था, लेकिन नहीं इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों मैं कभी नहीं घबराऊंगा। सीन में गौर कीजिए, देखिए इधर माँ बेटे में बातें हो रही हैं और उधर से वह एक प्रीतम पहुंचता है, देखिए होता क्या गौर। और मैया एक बात कहूँ और सेठ जी ने जानती हूँ क्या कहा? सेठ जी ने कहा बेटा तुम्हारी शादी अपने बेटी के साथ कर दूंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। दोस्त नौकरी मिल गई कि? अरे ये तेरा ऐसा जिंदगी में नहीं भूलूंगा यार, मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई? हाँ अच्छे ठीक है। हाँ मैनेजर की नौकरी मिले भी तेरी बदौलत से। तेरी भगवान की कृपा है, लेकिन दोस्त क्या मेरा मुंह नहीं मीठा करवाओगे क्या? मुझे
मुंह मीठा अवश्य करूंगा मुंह मीठा तुम्हारा। और तुझे आज से तुझे मैं मालभाल कर दूंगा। हाँ कैसे आज से तू कपड़ा नहीं धोएगा। कपड़े नहीं धोऊंगा तो फिर क्या करूंगा बताऊ। आज से तू मेरे घर पे रहेगा, मैं कमाऊंगा और मेरा यार खाएगा। दोस्त हो तो ऐसा क्यों नहीं दोस्त। आशी तो कपड़ा नहीं धोएगा, आशी तो मेरे पास देगा, एक बेटा कमाएगा और हम दोनों भाभी जी खाएंगे और हम उड़ाएंगे। उड़ा वाला तो उड़ाइए। अगर हम कहो कमाल उड़ाना का उड़ाना किसको कहते हैं खर्चा करो पैसा। अरे खर्चा के लिए जब घर में चार लोग रहेंगे दाल चावल और सब्जी वगैरह जब आएगी तो खर्चा होगा कि नहीं होगा तो होगा खरी तो उड़ाने का मतलब जानते क्या होगा। अरे पहले जाओ मान लिया क्वार्टर टू क्वार्टर लगाओ बस यही तो पांच बराबर थोड़े नहीं है। अगर तुम पानी पिएगा तो इस घर में नहीं रहेगा। हुआ पी के हुआ चले हुए चल ठीक है। हम तुम लोगों का मुंह मीठा कराती हूँ बोलो क्या बात। देखो मुझे फिल्म की याद है भाई आप तोहफा करें याद का है ना आई सब बोला कब कब से मुलाकात नहीं है प्रीतम। हेलो याद आ रही आपकी हम कहा कर जा रहे बताओ। देखिए इधर प्रीति प्रीतम की याद में गुनगुना रही है और उधर से वही विनय पहुंचते हैं। देखिए होता क्या है प्रीतम कहाँ और मुझसे मिलने भी नहीं आए। बिन तेरे अब यहाँ Thank you.
नमस्ते विनय बाबू आप। हाँ क्या बात है, आप वो बताए मुंबई चली जाती ना खेलने। नहीं, नहीं, वो क्या है ना, क्या अचानक जब से यहाँ से गया तब से आपकी तस्वीर हमारी निगाहों के चारों तरफ घूम रही है। आप झूठ क्यों बोल रही हैं, जैसे आपको नौकरी मिल गई है तब से तो आप मुझे भूल ही गए हैं। ऐसी बात नहीं है, भूल नहीं, याद और याद आने लगा तुम्हारा चेहरा। जब से ये लगे हैं रात में कबा उठाता है ये क्या बक रहा है, फालतू की बातें कर रहा है। सच प्रीति मतलब क्या है आपका? हमारा मतलब जी हम मैं तुमसे प्यार कर। प्रीति जी जब से आपको देखा है जानते हो प्रीति ना अपनी खबर है औकात भूल गया था, मुझसे गलती हो गई है। गलती नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें अपने दिल में बसा चुका हूँ और मैं तुमसे प्यार का इजहार करने आया था, लेकिन आज तुम्हें पता नहीं क्या हो गया। मेरी बात आखिर बात क्या है? बात ये है कि मैं प्यार तो किसी और से करती हूँ। किसी और से? हाँ किससे, किससे प्यार करती हो? उसका नाम प्रीतम है। प्रीतम से प्यार करती हूँ? हाँ मैं प्रीतम की हूँ। प्रीतम, प्रीतम से प्यार करती हूँ ना? जी प्रीति मुझे माफ करना, फिर दोबारा आकर मिलेंगे, इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी जी दोस्तों आप जिस समय सुना कि मेरे दोस्त प्रीतम से ये प्यार करती है, इसका दिल पारा पारा हो जाता है, इसे गम हो जाता है, और इसी गम में आप लोग देखेंगे अगली सीन में होता क्या है।
पर जाकर एक बोतल शराब की लेता है और इसी गम में शराब पीने लगते हैं और फिर देख के आगे सीन में होता क्या। प्रीतम, मैंने तुझे क्या समझा था और क्या निकली? बहुत अच्छा किया तूने। मैं एक बदनसीब प्यार करने की काबिल ही नहीं था। प्रीति बहुत अच्छा। प्रीति देख, तेरे लिए ये हमारे शरीर में जहर जा रहा है। ये जब तक हमारे शरीर में जहर रहेगा तेरा ही नाम याद आता रहेगा। प्रीति मुझे पीने का नहीं पीता। मैं शराब पीऊंगा।
दोस्त नहीं दुश्मन हूँ मैं, दुश्मन हूँ तेरा। दोस्त तूने तो पहले मेरा एक सारा छीना, अब यह भी थोड़ा छीनेगा। मैं पीऊंगा जिंदा पीऊंगा कौन रोकेगा। तू मेरा दोस्त है, क्या मेरा काम नहीं मानेगा? अरे यहाँ शराब पीते बोलती और तेरी तेरी ये बदतमीजी अगर ज्यादा करेगा ना Thank you.
क्या फायदा है तुम्हारी दोस्ती को? तू है ऐसी दोस्ती को? मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारा प्राण छीना है। ये भगवान, आज मैं क्या देख रही हूं? वही लड़का जिसको मैंने महारानी के पास चुराकर गुजरात के पास ले गई थी, और आज वही लड़का हमारे सामने इसी के सीन में त्रिशूल का निशान है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। कौन सी कहानी बताना चाहती है बुधिया? महारानी जी। हेलो स्टाफ, इसी के साथ आ गए हमारे भैया माधव। माधव भैया जी की ओर से 10 रुपए भेजे गए हैं, पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत। महारानी जी, मैं कैसे बताऊं और क्या कहूं? आखिर तुम्हारे 2 बच्चे पैदा हुए थे तो? हाँ, ये वही बालक है जिसको मैंने चुराकर गुजरात के पास ले गई थी, और वही बालक आज अनंत कर रहा है। लेकिन बादी, आखिर ये ऐसा तूने क्यों किया? क्यों मेरी एक बच्चा पैदा हुआ था, कैसे ये झूठ बोला? महारानी जी, ये गुजरात कहने से मैंने कार ये मैंने क्या नहीं, अगर गुजरात नहीं कहते तो मैं कुछ नहीं करती, नहीं गुजरात कहना नहीं मानते तो मुझे जान से मार देता। आज की कहनी सी तूने मेरा बच्चा कहा बेटा? सीखी यह बालक है जिसके सिने में त्रिशूल का निशान है, और ये दोनों भाई सगे भाई हैं। और आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दादी तूने जी ऐसा कार किया जो एक माँ बेटी से जिदा किया है। तो बच्चे पैदा हुई थी, लेकिन तूने ये कहा कि मेरा एक बच्चा पैदा हुआ। तूने बहुत ही बुरा काम किया है पाजी। महारानी जी, मेरी गलती को क्षमा करना, ये सब ध्रुजराज के कहने से हुआ, और मेरी गलती को माफ करना। तभी तो इस गुस्से में मेरे पास आया था, तो मेरे दिल ने कहा कोई इसका मेरा पिछले जन्म का रिश्ता तो नहीं है, जो आज मेरे दिल को चल कर रहा है, मेरे दिल से पुकारा।